तो मैं बताऊँ, किसी के हमारे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही इस महिला के बारे में। ये सारा राजनीति निष्ठा का मामला है, कहीं भी प्रधान का कोई बात से लेना देना नहीं है। झुंझुनू में उदयपुर वाटी पंचायत समिति की भाजपा प्रधान सहित तीन जनों के खिलाफ सीकर एसीबी की कार्रवाई में कांग्रेस और भाजपा के सुर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर भाजपा के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगा रहे हैं। अभी पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सीकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उदयपुर वाटी पंचायत समिति की प्रधान माया देवी गुर्जर सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रधान का देवर भोला राम और बीडीओ बाबूलाल रैगर भी शामिल हैं। ट्रैप की कार्रवाई की भनक लगते ही प्रधान का पति और एक जेटीए कार्रवाई के बाद से फरार है, जिनकी भी तलाश की जा रही है। इस मामले में एसीबी के डीएसपी राजेंद्र जागीर का कहना है कि पिछले साल अप्रैल माह में सीकर एसीबी को एक परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसका पंचायत समिति उदयपुर वाटी में करीब 37 लाख रुपए का भुगतान है, जिसके भुगतान की एवज में प्रधान 10%, बीडीओ 2% और जेडीए 3% की मांग कर रहा है। इसके बाद प्रधान के देवर ने भी परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं इस मामले में प्रधान माया देवी गुर्जर और बीडीओ बाबूलाल रैगर को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। एसीबी के बाद पंचायत समिति से प्रधान और उसके देवर को एसीबी की टीम थाने ले आई। मामले की जानकारी मिलते ही मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी भी थाने पहुंचे। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एसीबी अधिकारी से बातचीत की। गुड़ा का कहना है कि प्रधान माया देवी सीधी है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। महिला बिल्कुल ही सीधी महिला है, एक से दो भी नहीं जानती और पढ़ी लिखी भी नहीं है ज्यादा। मेरी समझ से कैसे इसको मोरा बनाया गया, कैसे बनाया, एसीबी की टीम है, बार बात हुई है डिप्टी साहब से, और मेरी समझ से बाकी तो जो कुछ है अपने टीम अपना काम करे अपने हिसाब से जो भी करे, लेकिन ये जो लेडी है ये तो बिल्कुल ही सीधी सादी सी है, तो कुछ भी नहीं जानती किस तरीके से क्या हुआ है। अब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपके भी लोग सारे सामने, उनके सामने बात करो तो करे कि हमारे पास जो भी है कि हम तथ्य के आधार पर जो स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन ये महिला है ना, मेरी नजर में तो चाहे इससे पहले सविता खरवास प्रधान थी, वो भी, और उससे पहले विमला गुजर थी, उससे पहले जोर कवर थी, तीन चार महिला हमारे प्रधान रही। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, महिला सीट पर इनके घर वालों ने इनको बना दिया, राजनीति भी नहीं जानती और भी कुछ नहीं जानती, ये तो कुछ भी नहीं जानती। वहीं पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने मंत्री गुढ़ा पर आरोप लगाया है कि गुढ़ा गुर्जर समाज को डराकर वोट लेना चाह रही है, इसलिए गलत तरीके से प्रधान को फंसाया गया है। सारा राजनीति निष्ठा का मामला है, कहीं भी प्रधान का कोई बात से लेना देना नहीं है। इसने क्या किया है, ये सरकारी तंत्र है जिसका पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और मंत्री अब भी अपनी मंशा के अनुसार लोगों से बातचीत करके गए हैं। इसमें मैं आपको फिर कहता हूं, कहीं भी प्रधान का कोई लेना देना निकलेगा नहीं, प्रधान निर्दोष है। ये सारा का सारा राजनीतिक स्टंट है, प्रधान के समाज के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक का साथ छोड़ने की मंशा बनाई, इस बात का दंड उनको मिल रहा है। बाकी कहीं भी कोई लेना देना, मैंने तो आज तक दो साल में पंचायत समिति में प्रधान के साथ इस प्रकार का कोई काम करते देखा नहीं सुना है। और बाकी सारा मामला आपके सामने आएगा, जितना मुझे ज्ञात है ये सारा राजनीतिक व्यवस्था का खेल है। तो बिल्कुल सराय से का है, कोई पुष्पेंद्र सिंह जो बिल्कुल राजेंद्र गुड़ा का राइट हैंड है उसकी सारी कार्रवाई करवाई है, और ये सारी मिली व्यक्ति का खेल है। कहीं भी प्रधान के पास एक नया पैसा मिला नहीं, कोई बातचीत उसकी है नहीं, फिर प्रधान को यहाँ लाने का क्या मतलब है। किसी ने लिया है तो कोई गुनहगार है तो वो जाने, प्रधान का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक महिला के साथ इस प्रकार से हठधर्मिता करना, जाति करना और इस प्रकार उसकी बेइज्जती करना, ये कतई कोई आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इस लोग के खिलाफ बिल्कुल आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हठधर्मिता करके अपना राजनीतिक चक्कर चलाया तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगे। आपने सबने देखा है जिस तरह से कोई आके कह के जाता है, किस प्रकार की कोई अगर ऐसा हुआ होता तो जो लोग शिकायत करने वाले हैं या जिन लोगों ने ये सारा रोल अदा किया है उनको तो मंत्री क्षेत्रीय विधायक साथ गाड़ी में बैठा के लाया। सामने आ रहे राजेंद्र, लोग कम गए वहाँ उनकी मीटिंग में, इसलिए इस बात का बदला लिया गया।
इस मामले में गुर्जर समाज के लोग अब धरने पर बैठ गए हैं, जिसका नेतृत्व शुभकरण चौधरी कर रही हैं। साथ ही धरने पर मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी पहुंच गए हैं। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। अब इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के सुर कब तक मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।